जय ठाकुर जी की, जय जसमा माता की, जय सगर सम्राट की, जय भागीरथ महाराज की। आप देख रहे हैं सीधा ग्राम पंचायत सांपा इंदिरा नगर से सीधा दृश्य देख रहे हैं, जहां पर हमारे जसमा माता का भव्य मंदिर आज 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता दिवस भी है। आज यहां पर आदरणीय परम आदरणीय गुरुदेव पारसराम जी की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। आज हमें यहाँ आने का अवसर मिला है और आइए, ये बहुत ही सुंदर यहाँ का गांव है, ग्राम पंचायत सापा इंदिरा नगर। आइए चलिए, आपको ले चलते हैं मंदिर के मातेश्वरी के दर्शन कराते हैं और हर बार आपको दर्शन कराते रहते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, हरिओम, हरिओम, जय हो। तो मातेश्वरी की कृपा दृष्टि दया से बनी रहे, समाज पर सभी का माँ का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। तो आप दर्शन कर रहे हैं माँ जसमा जी के, बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर मौजूद है। जसमा माता मंदिर इंदिरा नगर क्षत्रिय और समाज का यह पुराना मंदिर है। तो आप देखें, इंदिरा नगर जो जब बसाया गया था तब यहाँ का शिलालेख है। श्री इंदिरा नगर अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्षता में श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से यह सुबोधित और समाज जाति के इसे आदर्श बस्ती के उद्घाटन 1-3-1959 इंदिरा गांधी ने बसाया। यह पश्चिमी को 2015 को राजस्थान में कृषि मंत्री रघुनाथ राम 1-3-1959 मैंने इंदिरा नगर गांव ने इंदिरा गांधी ने बसाया और समाज को प्रथम जगह दी है बैठने के लिए, नहीं तो वो गद्दा लेके घूमते वो ऐसे। बहुत ही पुराना गांव है ये, आप देखें कि देश आज़ादी के साल बना, देश आज़ादी के समय जब संविधान बना था 1950 में, तो 1959 के में ये तो नगर को बसाया गया था, यानी आज़ादी का समय ही से ही ये देश यहाँ पर ये गांव मौजूद है और बहुत ही अच्छा गांव है। यहाँ पे सभी समाज के लोग हिलमिल कर रहते हैं। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये कबूतर खाना है, इसी कबूतर का आपने यहाँ की वीडियो में वर्णन देखा होगा कि यह हंस कृपा अभी वर्तमान के हमारे सरपंच साहब श्रीमान धर्मराज जी के परिवार द्वारा इसको बनाया गया है, हंस कृपा के नाम से इसका दिया गया है और बहुत ही सुंदर है और बड़ी मोटी लागत से इसको बनाया गया है। आइए थोड़ा सा दृश्य इसके बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने की। तो ये शिलालेख यहाँ पर लगी हुई है, हंस कृपा कबूतर खाने के नाम से इसको बनाया गया है। हंसाराम जी और उनके पिताजी का नाम अमोलक जी और है, और बहुत ही सुंदर ये पूरा धर्मराम जी है ना, पूरा सुंदर कबूतर खाना है इसको बनाया गया है कमल के आकार। और यहाँ के उद्घाटन के समय भी काफ़ी अतिथियों ने यहाँ पे भाग लिया था, मदन जी राठौड़ उप मुर्मू चेतना राज्य विधानसभा, मुख्य अतिथि पीपी चौधरी सांसद पाली, विशिष्ट अतिथि में ज्ञानचंद पारख विधायक पाली भाई साहब अपने वोट पाली, उसके बाद महेंद्र जी बोहरा सभापति नगर पालिका पाली, उसके बाद श्रीमान जो वरिष्ठ हमारे समाज सेवी थे जिनकी स्मृति में आज रक्तदान किया गया था, परसराम जी और पूर्व सरपंच सांपा सभी के करण कमलों द्वारा 14-2-2016 को ये भव्य कबूतर खाना। हाँ हाँ, क्या डिज़ाइन है इसकी, आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई के बारे में वर्णन करें
तो ये 3 फ्लोर बनाया गया है और ये इसलिए बनाया गया है ताकि कबूतर को कोई जानवर क्षति न पहुंचाए, इसीलिए इसको बनाया गया है। 72 फीट इसकी हाइट है। बड़े भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस गांव के बारे में, कैसे लोग रहते हैं? हमारा क्षत्रिय ओल्ड समाज इंदिरा नगर वालों ने आज तक कभी नहीं पाते झुके, नहीं हम ये मर जाएंगे, ये मार देंगे, नहीं मरने के लिए तैयार है। हमारा विकास चाहिए हमको। तो देखें अधिकारों की लड़ाई के लिए सभी तैयार है, लाभबंद होके जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं अभी जो बाकी है उनकी शायद बड़े भाई साहब बात कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं अधूरी पड़ी है उन व्यवस्थाओं नेशनल हाइवेट क्या क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था बाकी है? कट है वो हमारा बंद है आज भी, कहाँ है हम कहाँ बताओ? वो नेशनल हाईवे वो जी जी पर हमारा नेशनल हाईवे बंद है। और जब जिंदे थे मेरे वो नहीं क्या जिंदे थे क्या चाहते हैं वो जब जिंदे थे जब तक तो वो कट खुले थे और वो गए, उसके बाद जो कट बंद हो गए हैं। हम हमारे गांव से सरपंच दाबूबाई देवी से लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, उस कट के और वो कट का आज होने के लिए तैयार हो गए हैं। 1 महीना के बाद ये कट खुल जाएगा। तो वाह भाई सभी से बहुत बहुत बधाई, ये बहुत बहुत विधि है और हमारे पार जी की आज हम बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या नाम है आपका? पुखराज जी ओल्ड इंदिरा नगर। पुखराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई है, इन्होंने बताया कि यहाँ कट है और कट के काफ़ी समस्याएं हो रही है, आने जाने की समस्याएं हैं, कट को शायद खोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी को लेकर जो है लगातार यहाँ पर विकास कार्यों में भागीदारी निभाई जा रही है और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि से बात की जा रही है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। बात लड़के समाज से योगदान कर ये मंदिर बनवाया जी ने। तो साथियों इंदिरा नगर ग्राम पंचायत सापा ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं गांव का है और गांव में चलिए हमारा आंगनवाड़ी है वही पारद जी लेके आए हैं। तो काफ़ी विकास कार्यों में आदरणीय हमारे पारद जी का 500 टन का ये खड़ा है वही पारद जी लेके आए, भागीदारी रही है, काफ़ी विकास यहां पे हुए हैं। इंदिरा नगर का ये सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध गांव है, ग्राम पंचायत सांपा पाली में ये गाँव पड़ता है और सभी निवासियाँ सभी मकान एक जैसे हैं। कैसा रहा आज रक्तदान? अच्छा रहा युगदान बहुत अच्छा रहा है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना हूँ हमारे पाठ जी का दिन था और हमें तो ग्राम पंचायत ये सांपा है इंदिरा नगर जहाँ पर हमारे समाज के काफ़ी मकान यहाँ पर मौजूद है, लगभग सभी और समाज के मकान ही हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका है, गौ माता सामने दिखाई दे रही है। चलिए ग्राम पंचायत हमारे सांपा के आदरणीय सरपंच निवास में चलते हैं। तो सरपंच साहब के निवास के दर्शन भी कर लें लंतीम। अब हम आपसे लेते हैं स्टर अलविदा, फिर नई स्टोरी में मिलेंगे नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।